हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ सूजी और पालक का बहुत ही टेस्टी हेल्दी सा नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दोगे तो बच्चे बहुत ही पसंद से खाएंगे। तो चलिए इसे बनाने का तरीका देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे। इसमें डालेंगे आधी कटोरी सूजी। सूजी आप बारीक वाली ले लेंगे। आधी कटोरी हम यहाँ पे गेहूं का आटा लेंगे। अब हम इसमें एक गिलास पानी मिलाएंगे। पानी डाल करके आपको सूजी और गेहूं के आटे का पतला सा घोल बना लेना है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे एक पैन या फिर कढ़ाई। इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल। तेल गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच जीरा और आधी चम्मच से थोड़ा सा कम हम इसमें सौंफ डालेंगे। अच्छे से जब ये चटक जाएगा तब हम इसमें एक हरी मिर्च को बारीक काट कर डालेंगे। साथ ही आधी प्याज को भी हम इसमें बारीक काट कर डालेंगे। प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि प्याज का कच्चापन दूर ना हो जाए। जैसे ही हमारा प्याज भुन जाएगा हम इसमें मिलाएंगे पालक के पत्ते। पालक के पत्तों को आपको 2 से 3 पानी अच्छे से धोने के बाद इन्हें बारीक बारीक काट लेंगे। काट करके हमें इसे अच्छे से प्याज के साथ 2 से 3 मिनट तक भुनना है। पालक के पत्ते बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच से कम हल्दी पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच से कम धनिया पाउडर, साथ ही आधी चम्मच हमें यहाँ पर अजवाइन डालना है, जिससे कि आपके नाश्ते का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इन सभी को हमें 1 से 2 सेकंड के लिए अच्छी तरीके से भून लेना है। जैसे ही हमारे मसाले भुन जाएंगे हम इसमें आधे टमाटर को बारीक बारीक काट के डालेंगे, जिसका बीज हमने निकाल दिया है। अच्छे से टमाटर को हम पालक के साथ मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे नमक। तो नमक आप यहाँ पर स्वाद अनुसार मिलाएंगे। यहाँ पर मैंने आधी चम्मच नमक मिलाया है। नमक डाल करके अच्छी तरीके से हमें इसे मिक्स कर देना है। अब हम इसमें मिलाएंगे अपने सूजी और गेहूं के आटे के घोल को। घोल को जैसे ही डालें आप इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरीके से मिक्स करें, नहीं तो ये जल्दी से गाढ़ी होने लगती है और तली में ये चिपक जाएगी और इसमें लम्स भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो लगातार आपको मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते हुए एक गुथा हुआ आटे का जैसा करके तैयार कर लेना है। अब इस मिश्रण को हम किचन प्लेटफॉर्म पर ले लेंगे और अच्छी तरीके से अपने हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स करते हुए एकदम चिकना कर लेंगे। तो ध्यान रखेंगे इतना ही गर्म होना चाहिए जितने कि आपके हाथों में गर्म का एहसास ना हो। ज़्यादा गर्म हो तो आप इसे थोड़ा सा ठंडा भी कर सकते हो और अच्छी तरीके से एकदम गुथे हुए आटे की तरह आपको इसे मसल मसल के चिकना कर लेना है। और एक रोटी के जितना हम इसमें का पेड़ा लेंगे और इस तरीके से कोई भी शेप में आप इसे बना सकते हो, राउंड शेप में या फिर कोई भी शेप आप जो पसंद करते हो वो बना सकते हो। मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप का बनाया है जो कि देखने में अच्छा लगता है, बच्चों को खाने में भी नई चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इसी तरीके से सारे नाश्ते को अपने हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो फ्राई करने के लिए आपको यहाँ पर ज़्यादा गर्म तेल की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप नाश्ते को डालें इसके अंदर तेल के अंदर तो इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो जाने चाहिए और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे एकदम आपको धीरे धीरे फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी सिक जाए बाहर से भी सिक जाए। अगर तेज़ आँच पर आप इसे फ्राई करोगे तो बाहर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से नहीं पक पाएगी। तो आपको इसे एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से धीमी आंच पर इसे पकाना है, जिससे कि बाहर से बहुत ही कुरकुरी और अंदर से सॉफ्ट बनती है तो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसी तरीके से इसे अलट पलट के हम दोनों साइड से गोल्डन कलर होने तक अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसमें बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो अब हम इस नाश्ते को निकाल लेते हैं। तो बाकी बचे सारे नाश्ते को हम इसी तरीके से एक एक करके फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही जल्दी सुबह की भागदौड़ में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी है। तो आप इसे ज़रूर बच्चों के लंच बॉक्स में बना करके दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रंची, अंदर से सॉफ्ट बने हैं। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर मेरे साथ शेयर करेगी आप लोगों को रेसिपी कैसी लगती है। थैंक यू।